वही बुरा फंसे यार, लैंडस्लाइड हुआ है आगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं एंड वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली फ्रॉम सिसु विलेज। पहले सोच रहे थे कि बारालाचा तक जाया जाए, जो कि यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर्स है, बट ड्यू टू सम वर्क आज ही निकलना पड़ेगा टूवर्ड्स दिल्ली। तो स्टार्ट करते हैं फिर। कल की स्नोफॉल का कुछ पता ही नहीं लग रहा, मगर ठंड काफ़ी है और हवा भी तेज चल रही है। तो अपना पूरा सामान गाड़ी में रख दिया है और अभी कार को कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं और 5-10 मिनट बाद निकलते हैं फिर। सो टाइम इज 10:10, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए गाड़ी को स्टार्ट करे हुए, तो अब निकलते हैं फिर। तो अभी बीच में वी स्टॉप हियर टू सी द व्यू और एक छोटा सा वाटरफॉल। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। आप जब भी यहाँ आए टाइम लेके आए। हमारा सिसु विलेज का प्लान एंड मूवमेंट पे बना, जिसके कारण एक दिन ही रुक पाए और इस एक दिन में काफी कुछ देखने को मिला और अभी कुछ काम के कारण वापस जाना पड़ रहा है। अगर टाइम होता तो वी डेफिनेटली एक्सप्लोर सम मोर प्लेसेस बियॉन्ड सिसु विलेज, बट नेक्स्ट टाइम यहाँ जब भी आना होगा विल कवर मोर और टाइम लेके आएंगे। अब आ चुके हैं अटल टनल के दूसरी साइड और बाहर निकलते ही एकदम ग्रीनरी हो गई। टनल के उस साइड आपको रोड के साइड में पेड़ देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, इस साइड तो पेड़ ही पेड़ हैं। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं एंड वी जस्ट क्रॉस्ड मनाली। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो मनाली स्टार्ट होने से पहले काफी रिवर राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग स्पॉट अब अवेलेबल हैं। वो आप सामने ऊपर की तरफ पैराग्लाइडिंग होते हुए देख सकते हैं। यहाँ से मंडी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर रह गया है और अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं और अभी हमें वो ऑनगोइंग टनल कंस्ट्रक्शन वाला पैच भी कवर करना है और एज पर गूगल मैप वहाँ काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। सो अभी वी डिसाइडेड कि थोड़ा और आगे चल के एक होटल में स्टे कर लिया जाए और कल सुबह सुबह होटल से निकल के उस पैच को कवर कर लेंगे और मॉर्निंग में वहाँ इतना जाम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा भी नहीं है।
आगे जाने में 1 से 2 घंटे तो जाम में ही खराब हो जाएंगे, फिर रात हो जाएगी एंड एट लास्ट मंडी में कहीं स्टे करना पड़ेगा, और मंडी में टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा यहाँ के मुकाबले, सो इट्स बेटर कि मंडी से पहले ही स्टे कर लिया जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं एंड वी आर रेडी टू लीव। रात को इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि क्या बताऊँ, बट अभी काफ़ी कम हो गई है और रात की बारिश का असर आप सामने देख सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से लुढ़क कर रोड पे गिरे हैं। चलो अब निकलते हैं। वो देखा, ड्राइवर मना कर रहा है आगे के लिए, कुछ तो गड़बड़ है आगे। मुझे पता है क्या लग रहा है, ये सारी गाड़ियां वापस आ रही है भाई, बुरे फंसे आज, लैंडस्लाइड हुआ है आगे। कह तो रहे हैं टाइम लगेगा, अब देखते हैं कब निकलते हैं यहाँ से। 5 घंटे के बाद जाम खुला है और ये सामने है स्पॉट जहाँ मेजर लैंडस्लाइड हुआ था। ओहो, पूरी मिट्टी ट्रक पे ही आ गिरी, ट्रक के टायर तो पूरे ही मिट्टी में धंस गए। तो भी क्या हुआ है ना, लैंडस्लाइड के कारण पूरी रोड पे मिट्टी की गारा इतनी ज्यादा हो गई है कि कहीं कहीं तो कार्स के टायर भी स्किड कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन पे आप लोग ध्यान रखें कि कार को लोअर गियर पे आराम आराम से चलाएं और ब्रेक एकदम से ना मारे। एक बारिश में रोड की हालत खराब हो गई, इसलिए गाइस इग्नोर हिल स्टेशन इन मॉनसून सीजन, इट्स वेरी रिस्की। एक और लैंडस्लाइड, ओहो पूरा बोल्डर ही एम्बुलेंस पे गिर गया। सो फ्रेंड्स, फाइनली 6 घंटे के बाद निकल ही गए एंड वी आर बैक ऑन ट्रैक नाउ। यहाँ से करनाल के लिए ऑलमोस्ट 7 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, मींस पहुँचते पहुँचते रात के अराउंड 1 बज जाएंगे, तो वहीं फ्रेंड के घर कुछ रेस्ट करके अर्ली मॉर्निंग दिल्ली को निकल लेंगे, और आज वैसे भी काफ़ी हेक्टिक डे हो गया है। तो करते हैं इस ट्रिप को यहीं एंड, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। Hope you enjoy the video. मिलते हैं आपसे next trip with new destination. Till then, bye bye.